Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. That is hashtag Vinay's Vision and I'm your personal auxiliary Vinay Panikar. देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है इस पत्र लेखन के अंदर और आज हम लोग करने वाले हैं ये पत्र लेखन जो है फॉर्मल पत्र लेखन जिससे आपको मिल सकते हैं पूरे के पूरे 5 मार्क एग्जाम में. फॉर्मल पत्र लेखन मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे औपचारिक पत्र, ओके, और इनफॉर्मल रहेगा तो उसको बोलेंगे अनौपचारिक पत्र. देखते हैं क्वेश्चन में क्या है और इसको आप किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं. रमा रमेश पाठक, भेजने वाले का नाम 225 इंदिरा गांधी वार्ड आम गांव 441902 महाराष्ट्र से जय हिंद विद्यालय के माननीय आचार्य को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु. दिख रहा है आपको यहाँ पर ये अंडरलाइन किया है छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु पत्र लिखता लिखती हूँ. अब छात्रवृत्ति का मतलब क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है छात्रवृत्ति, हमेशा ये एग्जाम में आता है, लोग इसको लिख नहीं पाते हैं. स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति का मतलब होता है स्कॉलरशिप. 21 जून 2021, चलिए लेटर लिखने हम लोग शुरू करते हैं. लेटर के पहले आपको दिनांक लिखने की कोई जरूरत नहीं है. ऑलराइट, यहाँ पर सेवा में 21 जून 2021, आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी डेट लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि जिस दिन आपको लेटर राइटिंग है या जिस दिन आपका एग्जाम है उसी दिन का आप डेट लिखो, आप कोई भी डेट लिख सकते हो, ओके. सेवा में मतलब जिसको आप लेटर भेज रहे हो, माननीय आचार्य, आचार्य वो होते हैं जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं. ऑलराइट, जय हिंद विद्यालय, स्कूल का नाम है जय हिंद विद्यालय आमगांव 441902 महाराष्ट्र. विषय, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र. आप हमेशा याद रखना जब आप विषय लिखते हो इससे आपको 1 मार्क मिलता है, तो इसको जितना प्रेजेंटेबल बना सकते हो उसको आप उतना ही बनाइए. इसके नीचे अंडरलाइन करना डबल पेंसिल और स्केल से तो आपका विषय और भी उठकर आएगा और सामने वाले को पता चलेगा कि आपने लेटर किस चीज के ऊपर लिखा है. ऑलराइट, आदरणीय महोदय, रिस्पेक्टेड सर, मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं ब का छात्र हूँ. 9वीं कक्षा की परीक्षा में मुझे 92% अंक मिले थे, मतलब मैं आपके स्कूल का 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ और मुझे 9th में 92% मार्क्स आए हैं. गुणवत्ता सूची में भी मेरा नाम आ चुका है, ओके, मतलब डिस्टिंक्शन वाले लिस्ट में भी मेरा नाम आया है. गणित तथा विज्ञान में मुझे सबसे अधिक अंक मिले थे. मैं एक निम्न माध्यम परिवार का विद्यार्थी हूँ, मतलब क्या, मैं एकदम ही एक मिडिल क्लास फैमिली का एक स्टूडेंट हूँ. मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, मतलब क्या, मेरे घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत ही कमजोर है. आप छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के लिए पत्र क्यों लिखोगे, क्योंकि आप चाहते हो कि स्कूल वाले आपकी फीस माफ करें, ओके, तो आपको लिख के बताना पड़ेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ऐसा समझे. मेरे पिताजी एक निजी फर्म में मुनिम है, मतलब क्या, मेरे जो डैडी है एक छोटे से बिजनेस फर्म में एक वो अकाउंटेंट है. उनका वेतन में परिवार एक निर्वाह मुश्किल से हो पाता है, मतलब उनका जो पगार है उस पगार से बहुत मुश्किल से घर चल पाता है हमारा. मेरा एक छोटा भाई और एक बहन भी है, वो दोनों स्कूल जाते हैं. आपके शिक्षा संस्थान में जरूरतमंद विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता दी जाती है, मतलब क्या, आपके जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैंने सुना है कि जिन लोगों जरूरतमंद लोग रहते हैं उन लोगों को क्या मिलती है, उन लोगों को डेफिनेटली स्कॉलरशिप मिलती है. वित्तीय सहायता मतलब क्या, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसी के आधार पर मैं यहाँ प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप, आशा है मेरी स्थिति को ध्यान में रखकर आप मुझे इस वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कृपा करेंगे, मतलब क्या, मेरी इस पूरे परेशानी और तकलीफ को समझकर आप हो सके तो मुझे छात्रवृत्ति जरूर देना क्योंकि मुझे इसकी खास जरूरत है. आपका आज्ञाकारी मतलब योर ओबीडियंट, ओके, रमेश पाठक 225 इंदिरा गांधी वार्ड. आपको एड्रेस नीचे लिखना है, रमेश पाठक जिसने लेटर लिखा है, आम गांव xyz@abc.com, संलग्न. अब संलग्न ये वर्ड क्या होता है,
संलग्न, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। संलग्न का मतलब होता है अटैचमेंट। काय का अटैचमेंट है? कार्बन कॉपी है। नौवीं कक्षा की परीक्षा के अंक प्राप्त के प्रमाणित पत्र प्रति, मतलब क्या, नाइन्थ स्टैंडर्ड का जो मुझे मार्कशीट मिला है ना, उसकी ये क्या है, उसकी ये एक अटैचमेंट कॉपी है। ऑलराइट, आपको इस तरीके से काम को पूरा अच्छे से करने का है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस एंड। आई होप आपको ये लेटर बहुत अच्छे से समझ में आया रहेगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को जरूर लाइक करना एंड कॉमेंट करके बताना वीडियो कैसा था। थैंक यू वेरी मच, बाय।